ये देखें दोस्तों, शायद आपको यकीन ना आए तो हमारे जो बकरे हैं ये गंदम ही खाते हैं। ये देखें, गंदम खिला रहे हैं इनको धड़ाधड़। तो यानी देखें, खिलाएंगे तो पैसा देंगे। अब ये 10 माह का है, 10 माह का, और इसका 50 किलो वज़न है। वज़न बढ़ाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। क्या ख्याल? तुम सा कोई प्यारा कोई, तुम सा कोई प्यारा। आगे क्या है? बच्चे झूले ले रहे हैं। तुम सा कोई प्यारा, तुम सा कोई प्यारा कोई, तुम सा कोई प्यारा। आगे क्या है? आगे क्या है यार गाना? ओ बच्चे झूले ले रहे हैं, कभी हम भी ऐसे लिया करते। बच्चे झूले ले रहे हैं इन्हीं शाखों पे, इन्हीं टहनियों पे, और कोई दरख्त हुआ करते थे, ये भी हुआ करता था, और ये बहुत खूबसूरत था। हाँ दोस्तों, YouTube पे वीडियो देखी थी मैंने, देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि ना आप 3-4 जो है बकरियां लें और अमीर हो जाएं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता दोस्तों। अब मैं इनको लेके गया हूँ, 2 बार मैं इनको लेके जा चुका हूँ। इतनी गर्मी है, बेतहाशा धूप है, और अब फिर इनको लेके जाऊंगा। मतलब आगे कोई मसला हो गया था वो शहद वाला। बहरहाल तो कहना ये है, ऐसा नहीं है कि कारोबार तो कोई भी उसमें प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2-3 रखें और एक मुस्तकिल तौर पर काम हो तो फिर इसमें प्रॉफिट है। ऐसे किसी की बातों में आकर तो आप जो है वो ख़ुद को मुश्किल में ना डाल दीजिएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, हाँ एक आध रखें आप, लेकिन ये ना सोचें कि इससे मुर्गी होगी, मुर्गी का अंडा होगा, अंडों से मुर्गी होगी, मुर्गी से अंडे होंगे, और एक दिन ट्रक जा रहा होगा। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, लेकिन यह कि एक मुर्गी आपको रोज़ का एक अंडा दे सकती है नाश्ते के लिए, ये मुमकिन है। तो ज़रूर कीजिए ये काम, लेकिन ये सोच करके कि थोड़ा गुजारा सा हो जाएगा।